हेलो फ्रेंड्स, कुमुदिनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैंने बहुत ही टेस्टी व्रत की रेसिपी बनाई है, जो बनाना बहुत ही आसान है और एक बार देखने के बाद आपका मन बार बार बनाने के लिए करेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने समा का चावल और एक आलू लिया है। सिर्फ दो चीज़ों से हम ये व्रत की रेसिपी बनाएंगे। समा के चावल को पहले पीस लेना है, एकदम महीन से, जितना महीन पीस सकते हैं। और साथ ही मैं गैस पर रख देंगे पैन या कढ़ाई, और जितना हमने समा का चावल लिया था उसका दुगुना पानी डाल देंगे, यानी 2 कप पानी डाल देंगे। आप जिस बर्तन से सेट करेंगे, कटोरी ग्लास, उतना ही डबल पानी डाल देना है। और ढक देंगे, गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे पानी गर्म होने के लिए। यहाँ पे चावल हमारा अच्छे से देखिए महीन पिसा गया है, और आलू को भी इस तरह से कद्दूकस से कस कर लेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पे पहली बार है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इस तरीके से जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो आपकी, सच बताती हूँ, बहुत तारीफ़ें होंगी। तो देखिए, आलू को मैंने छोटी वाली किसनी से कस कर लिया था, और 2-3 पानी से धोने के बाद ये खोलते हुए पानी में डाल दिया। आलू को हम 70 से 80% तक पका लेंगे इसी गर्म पानी में। पहले हम आलू को पकाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 मिनट में ही, क्योंकि आलू एकदम महीन किसा था, ये पक चुका है। अब इसके अंदर 1 इंच जितना अदरक कस करके डाल दिया मैंने, और 2 से 3 हरी मिर्च डाली है स्वाद के अनुसार। आप जो भी सामग्री नहीं खाते हैं फ्रेंड्स, इसमें से स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच जितना जीरा डाल दिया है, नमक डाला है मैंने स्वाद के अनुसार, सेंधा नमक, और यहाँ पे काली मिर्च पाउडर ऐड की है और 1 चम्मच, और यहाँ पे 2 चम्मच जितना हरी धनिया ऐड किया है। इसको मिला लेंगे और आलू को देख लेंगे अच्छे से पक गया है कि नहीं। तो देखिए 80-90% तक पक गया है। अब इसकी गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से गिराते हुए जो हमने सामा का चावल पीसा था ऐड करेंगे, और लगातार थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहेंगे। इस तरीके से पूरे अच्छे से हम मिलाएंगे, जैसे आपको दिख रहा है। तो गैस की फ्लेम एकदम लो ही रहेगी, हाई बिल्कुल नहीं रहेगी, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप। धीरे धीरे पूरा पानी समा का चावल सोख लेगा फ्रेंड्स, जैसे आपको दिख रहा है, और पूरा ये चावल भी और आलू अच्छे से पक जाएगा। ये व्रत की खास रेसिपी, जो आप किसी भी व्रत के समय खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना देसी घी डाला है, तो जो भी आप घी खाते हैं या तेल खाते हैं व्रत में, वो ऐड कीजिए और अच्छे से उसको भी मिला लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा रेसिपी एकदम स्मूथ बनेगा। तो देखिए, ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है और अच्छे से मिला लिया है। चावल भी हमारा देखिए अच्छे से पक गया है। तो इस दो को जब कढ़ाई छोड़ने लगे, तब तक हम एकदम लो गैस पे पकाएंगे। तो देखिए, अब कढ़ाई भी छोड़ना स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही हम चम्मच घुमा रहे हैं, जैसे मैं चम्मच घुमा रही हूँ, ऐसे ही पूरा अच्छे से लपटा जा रहा है। तो देखिए, ये निशानी है कि हमारा ये डो पक गया है। अब एक बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे और फैला देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। गरम गरम में नहीं बन पाएगा, तो थोड़ा ठंडा करेंगे। और बिना तले ही ये रेसिपी मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, जो सबको बहुत पसंद आएगी, सिर्फ 2 चम्मच घी से। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मेंदू वड़ा का शेप दे दिया है, देख लीजिए। और जो भी मैं सामग्री डालूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये व्रत की खास रेसिपी बनाइए, खाइए, और जो भी बनाएगा ना, उसकी बहुत तारीफ़ें होंगी। बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से पूरा सेप दे दिया है, और गैस को फिर से चालू कर लेंगे और पैन रख देंगे उसके ऊपर गर्म होने के लिए। और जैसे ही पैन हमारा गर्म हो जाए, 1 चम्मच जितना देसी घी इसमें ऐड कर देंगे। मैंने बोला था ना, सिर्फ 2 चम्मच देसी घी से बना रही हूँ मैं रेसिपी। यहाँ पर 1 चम्मच जितना मैंने जीरा डाल दिया है, और 1 चम्मच जितना ही मैंने सफ़ेद तिल डाल दिया है, 1 कड़ी पत्ता डाल दिया है, 1 हरी मिर्च बारीक काट के डाल दिया है इसके अंदर। थोड़ा सा हम चला लेंगे, और ये लो गैस पे ही पकाना है, फ्राई करना है।
दोस्तों गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और एक चम्मच मैंने ये नारियल का बुरादा डाल दिया है। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। और ये काश्मीरी लाल मिर्च है जो तीखी नहीं है, इसको मैंने एक चम्मच भर के डाल दिया है। आधा ग्लास जितना मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है ताकि हमारा पानी थोड़ा अच्छे से पक जाए, और जैसे ही पानी पकने लगे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। और ये हमने जो वड़े की शेप को दे दिया है अपने रेसिपी को, नाश्ते को, इसको इसमें मिला लेंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स इस तरीके की रेसिपी। और खाने में बहुत मज़ेदार है, बनाने में एकदम आसान है। जो भी बनाएगा ना, मैं सच बता रही हूँ, उसकी बहुत ही तारीफ़ी होंगी, क्योंकि खाने में जब टेस्ट लगता है ना, देखने में सुंदर, खाने में मज़ेदार, तो उसकी तो तारीफ़ें होती ही है। तो फ्रेंड्स आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, या फिर और कहीं से देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए और मेरी इस रेसिपी को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको पकने देंगे और जैसे ही पक जाए इसके अंदर एक नींबू का रस डाल देंगे ऊपर से, तो थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, हरी धनिया, और मिला लेंगे। मिलाने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि अभी हमारा आलू नहीं पका है तो गैस की फ्लेम को एकदम लो ही रखेंगे और ढक देंगे एकदम स्लो गैस पे 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट में देखिए पूरा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है और बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है, दिख रहा होगा आपको। तो हमारा टेस्टी टेस्टी व्रत की रेसिपी तैयार है। आइए इसको गरम गरम सर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है और एक एक कर निकालना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट कीजिए, वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। व्रत की एक ख़ास रेसिपी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। बिना मैंने दही, बिना सोडा, और सिर्फ 2 चीज़ों से ये व्रत की रेसिपी बनाई है, जो बिना साबुनदाने के भी। तो आप ये रेसिपी मेरे बोलने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, जो देखने में सुंदर, खाने में मज़ेदार, और जितना सुंदर ये देखने में है उतना ही टेस्टी खाने में है। साथ में चटनी के साथ में इसको सर्व करेंगे। चटनी में मैंने हरी धनिया और इसके अंदर मूंगफली का दाना, नींबू रस, जीरा और सेंधा नमक डाला है, पानी डालकर पीसा है। ये चटनी की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है आपके साथ में, तो बहुत ही टेस्टी सा यह नाश्ता बनके रेडी है। कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, प्यार दीजिए अपना वीडियो को। किस सिटी से आप मेरी ये वीडियो देख रहे ज़रूर मुझे बताइए। और ये देखिए ये कितना सुंदर एकदम लचीला सा बना हुआ है, एकदम टेस्टी सा नाश्ता, बताइए, कमेंट कीजिए, फॉलो, लाइक, शेयर कीजिए।